नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सनफ्लावर के प्लांट के बारे में बात करेंगे। सनफ्लावर का प्लांट जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है बड़ी वैरायटी वाला, जिसमें कि बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, और एक ही होता है मिनिएचर वैरायटी का। फ्रेंड्स, इसको मिनिएचर वैरायटी बोलते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी लंबा होता है। सिर्फ इसमें फ्लावर छोटे आते हैं बड़े प्लांट के मुकाबले। ये देखिए, ये है हमारा मिनिएचर वैरायटी का सनफ्लावर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये ख़ास बात है कि जिस तरफ सूर्य भगवान जी का डायरेक्शन होता है, उसी तरफ ये अपने आप को, मतलब फ्लावर को मोड़ लेता है, और ऐसा करते करते ये शाम तक ऐसा ही करता रहता है। ये देखिए कितना सुंदर है हमारा ये सनफ्लावर का प्लांट। फ्रेंड्स, इसको है ना बीज से आसानी से लगाया जा सकता है। यदि आप बीज से नहीं लगा सकते तो इससे, तो इसकी पौध को है ना नर्सरी से ले आइए और फिर लगा दे, अच्छी तरह से ये हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे पास है ना ये जो सनफ्लावर के दो प्लांट हैं, एक तो ये वाला, ये मिनिएचर वैरायटी का है, और यहाँ है एक ये दूसरे वाला, ये भी मिनिएचर वैरायटी का ही प्लांट है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा हो रहा है ये प्लांट। ये देखिए, दिख रहा है आपको कितना बड़ा हो रहा है ये प्लांट, ये मिनिएचर वैरायटी का प्लांट। फ्रेंड्स, जो बड़ी वैरायटी का सनफ्लावर होता है, उसमें ना फ्लावरिंग कम होती है। बड़े साइज़ का फ्लावर आता है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग कम होती है। मतलब कि जैसे उसमें एक प्लांट में चार या पांच ही फ्लावर आते हैं, और ये जो मिनिएचर वैरायटी का प्लांट है, इसमें ढेरों फ्लावर आते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी कलियाँ बनी हुई है हमारे इस प्लांट में, और इसको ना फ्रेंड्स हमने बीज से ही लगाया है। ये देखिए, ये इसमें और भी काफ़ी सारे ये छोटे छोटे सनफ्लावर के प्लांट निकले हुए हैं। हमने क्या किया, हमने 8-10 बीज लेके ऐसे ही इस गमले में डाल दिए, और ये जो बड़ा वाला प्लांट है ये बढ़ गया, और वो दूसरे वाला जो प्लांट है वो अपने आप ही निकल गया उस वाले पॉट में। और इसमें जो छोटे छोटे प्लांट हैं, अभी इनको ना हम अलग करके लगा देंगे दूसरे गमले में किसी में, तभी ये ज़्यादा लग रहे हैं तो ये ग्रोथ नहीं कर पा रहे। हम इनको अलग लगा देंगे तो ये फिर ग्रोथ करने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको है ना हमें बिल्कुल सनलाइट में रखना चाहिए, पूरे दिन की सनलाइट इसको ज़रूरी होती है। और फ्रेंड्स, इसको पानी बहुत पसंद है, इसलिए हमें इसकी मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें थोड़ी देर पानी रुके। ये नहीं है कि हमने पानी डाला और निकल गया, मतलब हमें इसकी मिट्टी के लिए लेना है, एक पार्ट लेना है हमें वो गार्डन सॉइल, और एक पार्ट लेने हैं हमें कंपोस्ट। इसमें हमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत है। और इसको अगर हम चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार। फ्रेंड्स, इसमें हम मतलब ये जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, इसको हम महीने में या 1.5 महीने में एक मुट्ठी डाल देते हैं, और इससे ही ये प्लांट बहुत बढ़िया चलता है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा चल रहा है, अभी इसने फ्लावरिंग शुरू की है, हमारे ये पहला ही फ्लावर निकला है इस वाले प्लांट में, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, एक जो फ्लावर है ना, ये 5-6 दिन तो चल जाता होगा हमारे इस फ्लावर को खिले हुए। आज 4th दिन है, और ये आप देख सकते हैं अभी भी कितना फ्रेश दिखाई दे रहा है। ये हमारा सनफ्लावर का जो फूल है, अभी भी बहुत फ्रेश है ये। और ये जो दूसरा वाला, दूसरा है ये हमारा जो सनफ्लावर का फूल, इसको खिले हुए आज दूसरा ही दिन है, लेकिन ये छोटा है, थोड़ा सा छोटा है इस वाले के मुकाबले, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोनों ही ये मिनिएचर वैरायटी है। फ्रेंड्स, आज तक हमने सनफ्लावर को येलो कलर में ही देखा है, लेकिन लास्ट सीजन में ना हम एक सीड का पैकेट लेके आए थे सनफ्लावर का, और उस पे लिखा था वाइट सनफ्लावर सीड, और हमने उसको लगा दिया। लेकिन लगाने के बाद में जब उसमें से फ्लावरिंग हुई, तो वो भी फ्रेंड्स येलो कलर के फ्लावर ही निकले उसमें से। अब पता नहीं उन्होंने क्यों हमें वाइट कलर का सनफ्लावर करके दे दिया, और हम इस वजह से हम ले भी आए कि इसमें वाइट कलर के सनफ्लावर निकलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसमें येलो कलर के ही निकले।
आज तक हमने तो सिर्फ येलो कलर का ही देखा है। अगर आपने वाइट कलर का देखा हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम भी लगाना चाहेंगे वाइट कलर का सनफ्लावर। फ्रेंड्स, हमने ना विंटर सीजन के लिए कुछ तैयारी की है। ये देखिए, हमने लगाए हैं ये मैरीगोल्ड के प्लांट और ये काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। इनको हमने लगाया है सीड से, लास्ट ईयर के सीड हमारे पास रखे हुए थे उनसे ही हमने इनको तैयार किया हुआ है। और ये देखिए अब कितने बड़े हो गए हैं ये हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट। और लगता है फ्रेंड्स इनमें नवरात्रों में या फिर नवरात्रों के बाद दिवाली के टाइम पे इनमें फ्लावरिंग भी होने लग जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं फ्लावरिंग के लायक। कुछ मैरीगोल्ड फ्रेंड्स हमने यहाँ भी लगाए हैं। ये देखिए, ये एक गमले में लगाए हैं हमने तीन प्लांट और इस वाले में हैं ये छोटे वाले में दो प्लांट। इधर लगा हुआ है हमारा ये गुलदावरी, जिसको कि हमने कटिंग से तैयार किया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।